नमस्ते दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशंस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, वन बाय वन हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आती है या बैंकिंग सिस्टम्स आती है, अगर हम इंडिया की अगर बात कर लेते हैं, तो इंडिया में सभी बैंकों के ऊपर, शायद वो प्राइवेट बैंक हो सकती है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, या भी कोई फॉरेन बैंक होती है, शेड्यूल हो अनशेड्यूल बैंक्स हो, समवॉट एक्सटेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट इज रेगुलेटेड बाय द RBI। तो हमारे सभी नियंत्रण रेगुलेशन जो शीर्ष बॉडी होती है RBI के द्वारा की जाती है। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस होता है। लेकिन नॉन बैंकिंग के लिए कोई इस तरह का रेगुलेशन नहीं होता। ये फर्स्ट डिफरेंस हमने देखा। ये डिफरेंस देखने से पहले हमारे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या हम जिसे कंपनी कहते हैं किस तरह से काम करती है। जो भी जमाकर्ता जिसे हम डिपॉजिटर कहते हैं या बोरोअर होते हैं जिसे हम उधार करता कहते हैं, इन दोनों के बीच फाइनेंशियल इंटरमीडिएट करने का काम ये बैंक करती है। अगर हम इंटरमीडिएट, हमने फिर से मैं टर्म इस दोहराता हूँ, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है। किसके लिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है? जो भी डिपॉजिटर है और जो भी बोरोअर है उनके लिए ये काम करती है। थोड़ा सा वन बाय वन हम डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमने डिफरेंस देखा, ये डिफरेंस हमने देखा, अगर RBI के अंतर्गत या उनके रेगुलेशन के अंतर्गत रेगुलर बैंकिंग आती है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए कोई लाइसेंस निकालना या कोई ऑडिट RBI का होना, ये कोई कंपल्शन नहीं होता। ये पॉइंट हमने समझ लिया। नेक्स्ट बात आती है, जो हमारे बैंक के लिए रेगुलर जो सर्विस होती है, सेविंग अकाउंट होना, डिमांड डिपॉजिट ओपन करना, या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर प्रोविजंस होते हैं, या कमर्शियल अकाउंट्स होता है, या पर्सनल या बिजनेस लोन होता है, मॉर्गेज लेते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेते हैं, तो दिस इज अ रेगुलर सर्विस जो हमारी रेगुलर बैंक प्रदान करती है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना, मॉर्गेज लेना या सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, एट द सेम टाइम्स कमर्शियल अकाउंट्स, ये सेवा ये करती है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की अगर हम सेवा देखने की काम देखते हैं तो मोस्टली दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू टेक द फिक्स डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। नेक्स्ट, दे आर वर्किंग ऑन अ हेज फंड। हेज फंड का मतलब ये होता है कि जो फंड्स ज़्यादा रिटर्न रखने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रिटर्न होता है उतनी ज़्यादा जोखिम उनमें रिस्क होती है। तो सम व्हाट एक्सटेंड नॉन बैंकिंग, अगर RBI का उनके ऊपर रेगुलेशन नहीं होता तो ये उनका एक प्रायोरिटी एरियाज होता है, वहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी काम करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहाँ पे काम करती है? हेज फंड के बारे में मैंने कहा, करेंसी एक्सचेंज के बारे में कहा, इंश्योरेंस फर्म्स के बारे में कहा, और मोस्टली दे आर वर्किंग इन अ जो नॉन मूवेबल, हम कहते हैं कि संपत्ति का क्रिएशन करना होता है उसमें ये काम करती है। तो होपफुली कंपैरेटिवली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो कस्टमर होते हैं या कस्टमर का जो दायरा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। बैंकिंग के लिए, बैंकिंग का लोन लेना, उनके लिए एलिजिबल होना, कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये कोई स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये हमने डिफरेंस देखा। सेकेंड डिफरेंस हमने क्या देखा? बैंकिंग किस तरह की सर्विस प्रदान करती है? रेगुलर सर्विस प्रदान की जाती है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ये सर्विस करेंसी एक्सचेंज की, ये सर्विस इंश्योरेंस फर्म्स की, ये सर्विस ओनली फिक्स डिपॉजिट की देती है, लेकिन ये सर्विस सबसे प्रायोरिटी उनका एरियाज होता है हेज फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, और इस तरह से वो काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले कि अगर डे टू डे रेगुलर एग्जाम्पल आप दे दो, SBI बैंक ले लो या ICICI बैंक ले लो, ये बैंकिंग सर्विस का एग्जाम्पल्स आता है या बैंकिंग का एग्जाम्पल होता है। लेकिन अगर महिंद्रा फाइनेंस की बात कर लेते हैं, हम बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं, तो दिस इज नोन एज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन।
थर्ड हमने डिफरेंस देखा, थर्ड डिफरेंस में हमने क्या देखा, थर्ड डिफरेंस में हमने ये देखा कि एग्जाम्पल कौन सा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एग्जाम्पल कौन सा है। नेक्स्ट बात आती है कि जिस तरह से हमने देखा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं लगती, ये एट द सेम टाइम्स डिमांड डिपॉजिट हमारा रेगुलर बैंक एक्सेप्ट करता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या फॉरेन बैंक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हमारे लिए मीन जो रेगुलर या ट्रेडिशनल बैंक होती है उनके लिए जो कैप है, वो जो मर्यादा है फॉरेन बैंक के लिए, ऑलमोस्ट 74% वो निवेश कर सकते हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ऑलमोस्ट नियर टू द 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये भी एक फोर्थ पॉइंट हमने देखा। फिफ्थ पॉइंट आता है बैंकिंग रेगुलेशन के लिए कैश रिजर्व रेशो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो भी नंबर ऑफ रेशोज होते हैं, जो अनुपात होते हैं, जो कंपल्सरीज होते हैं, उन्हें उनको मेंटेन करना ही पड़ता है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये अनुपात को, रेशो को मेंटेन करना, ये उनके लिए बिल्कुल कंपल्सन नहीं होता। ये भी पॉइंट हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तो सोसाइटी में, समाज में, अर्थव्यवस्था में ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की जरूरत किन लोगों के लिए होती है, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखो, रेगुलर बैंकिंग जो भी बिजनेस करती है, ये कायदे या कानून उनकी प्रक्रिया के दायरे में करती है। इसलिए करती है कि उनका जो वॉचडॉग होता है, RBI के जो रूल्स है, उसी को उनको अवलंब करके चलना पड़ता है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये कोई दायरे नहीं होते। इसलिए जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर कम है, उनके लिए ट्रेडिशनल बैंक तो वहाँ बिल्कुल खड़ा ही नहीं करती, उनके लिए लोन प्रदान नहीं करती, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उनके लिए एंसर्स होता है। यहाँ लोन लेने के लिए ट्रेडिशनल बैंक में मॉर्गेज होना या कोई गारंटी होना, इट इज़ वेरी कंपल्सरी। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए कोई सुरक्षता की आवश्यकता नहीं होती, दैट इज वन थिंग ऑल्सो। या बैंकिंग के लिए, ट्रेडिशनल बैंकिंग के लिए ब्याज और किस्तों एक हम कहेंगे कि जो EMI होता है ना, उनमें फिक्स किया जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ब्याज हो, EMI हो, उनके लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। दिस इज कंपैरेटिवली जो आम आदमी होते हो, आज भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की ओर थोड़ा मुड़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट हमने डिफरेंस देखा। और सब कुछ होने के बावजूद भी देर आर सम लिमिटेशन ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। लिमिटेशंस क्या होते हैं? लिमिटेशंस ये होते हैं कि बहुत बार ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो भी किस्ते होते हैं, EMI होते हैं, उनको वसूल करने के लिए अलग अलग नॉन लीगल तरीका यूज करते हैं। एट द सेम टाइम उनके ब्याज दरों में भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। दिस थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। और भी कुछ अगर हम डिफरेंस चाहते हैं, जिस तरह से हमने देखा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिमांड डिपॉजिट नहीं स्वीकार कर सकती, हाँ, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये फिक्स डिपॉजिट स्वीकार करती है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कोई भी बीमा संरक्षण नहीं होता जो ट्रेडिशनल बैंक में होता है। ये भी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंस रहेगा। नेक्स्ट, जिस तरह से हमारी बैंक, ट्रेडिशनल बैंक, चेक, डिमांड ड्राफ्ट को इशू कर सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को चेक या भुगतान या कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं जारी कर सकते। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंस होता है। दिस वन थिंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो बचतकर्ता होते हैं, जो छोटे छोटे बचतकर्ता होते हैं, उनसे डिपॉजिट नहीं जमा कर सकते। दिस इज द वेरी कंपल्सरी थिंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मोस्टली जो अचल संपत्ति, जिसे हम नॉन मूवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उनके लिए कोई निवेश नहीं करती। हाँ, लेकिन कृषि और औद्योगिक गतिविधियाँ होती है, कुछ ऑपरेशन होते हैं, उनके लिए वो जरूर सहायता कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए ये भी होता है कि बैंकिंग
जो ट्रेडिशनल होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की तरह 1949 की तरह उनका सब कुछ ऑपरेशन चलता है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो उनका ऑपरेशन चलता है वो भारत की जो कंपनी एक्ट है उनके अंतर्गत उनका संचालन किया जाता है या हम काम कर सकते हैं। दिस वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें ये समझना बहुत इम्पोर्टेंस होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऑडियो सेक्शंस में हम बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बीच क्या डिफरेंस है ये भी देखा, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी किसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, आज भी लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को क्यों चूज़ करते हैं, कंपैरेटिवली जो फ्लेक्सिबिलिटी उनके ऑपरेशंस में होती है, मे बी ब्याज दरों में होती है या मे बी किस्तों में जो एडजस्टमेंट उन लोग किए जाते हैं, ये एक उनकी खासियत हम जरूर कहेंगे। लेकिन कुछ किक बैक भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्याज दर लेना या कुछ अलीगल तरीकों से ब्याज की वसूली करना, ये भी कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। हमारे लिए सारांश रूप से हम देखेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तरह हो सकता है, होता है, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं लेकिन फिक्स डिपॉजिट के लिए कोई बीमा संरक्षण नहीं होता। जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर कम है, जिन लोगों के लिए बाकी बैंक उन्हें लोन प्रदान नहीं करती, उन लोगों के लिए आज ही NBFC ये राइट चॉइस होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको NBFC और बैंकिंग का फर्क समझ में आया होगा। इसी तरह से अन्य बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में ऑडियो वीडियो और उसके ऊपर MCQ सुझलाने के लिए आपका हमारा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर आप जुड़े रहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप जरूर उसको बना के रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग टारगेट विद प्रोफेसर पीस पॉजिटिव वे। वी रिक्वेस्ट यू टू बी अ वॉलंटरी डोनेटर टू बिकम अ प्राइम एंड ट्राइड मोटिवेटर।